अब है जी वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज. एज इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन एज, रिसर्चर्स आर इंक्रीजिंगली एबल टू स्टडी देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रू देयर वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज. तो वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज वो होते हैं जो कि कंट्रोल में होते हैं इंसान की, ठीक है. तो जैसे जैसे इन्फेंट्स और चिल्ड्रन जो होते हैं बढ़ते गए एज वाइज, वो मतलब उनकी डिवेलपमेंट होती है, तो रिसर्चर्स ने इंक्रीजिंगली वो इस काबिल बन गए काफ़ी हद तक कि वो स्टडी कर सके, अंडरस्टैंडिंग हो जाए वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज के थ्रू. वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज आर बिहेवियर, वो बिहेवियर होते हैं किसी भी इंसान के जो कि कंप्लीट बाई चॉइस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट हाउ यू एक्ट वैन यू गो टू द ग्रॉसरी स्टोर. फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए शॉप जाते हो, ठीक है, तो आपको आप वहाँ पे कैसे एक्ट करोगे, कैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, कैसे आप बिहेव करोगे. यू सेलेक्ट वेदर यू टू यूज अ शॉपिंग बास्केट, यू डिसाइड विच सेक्शन ऑफ द स्टोर टू वॉक थ्रू. पहले आप लोग ये सिलेक्शन करोगे कि आपने शॉपिंग के लिए बास्केट को यूज़ करना है, फिर उसके बाद ये डिसाइड करोगे, डिसीजन लोगे किस सेक्शन में पहले मैंने जाना है, वहाँ पे अपनी लिए चीज़ें लेनी है, ठीक है. तो लिस्ट बनाओ कि आपकी आपको आप उसको फॉलो करोगे कौन कौन सी चीज़ हुई, और उसको वन बाय वन टिक करते जाओगे कि ये मैंने रख लिया अपने पास, अभी आगे चीज़ें देखनी है. इंपॉर्टेंटली दीज बिहेवियर्स आर कम्प्लीटली अप टू यू एंड आर अंडर योर कंट्रोल. और ऐसे बिहेवियर्स जो होते हैं ऑब्वियसली आप लोग के अपने कंट्रोल में हैं, ठीक है. किसी टाइम भी आप दूसरे बिहेवियर को स्विच कर सकते हो, बट ये आपके कंट्रोल में वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज हैं. ऑल्दो दे डू नॉट डू अ लॉट ऑफ ग्रॉसरी शॉपिंग, इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन ऑल्सो हैव वॉलंटरी कंट्रोल ओवर दी एक्शंस. इन्फेंट्स और चिल्ड्रन को भी अगर देखें तो रिसर्चर्स कहते हैं कि इनका भी किसी हद तक हम कह सकते हैं कंट्रोल होता है अपने एक्शंस पे. चिल्ड्रन फॉर एग्जांपल चूज विच टॉय टू, जैसे बच्चे का आपने देखा हो कि घर में हो, फैमिली में कहीं भी हो, तो वो सिलेक्शन करते हैं टॉयज में, ठीक है, कि नहीं मैंने इस खिलौने के साथ नहीं खेलना, मैंने एलिफेंट के साथ खेले, मैंने हॉर्स के साथ खेलने. तो उसकी मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग इस सेंस में होती है कि वो अपनी मर्जी की या अपने एक्शन की या मतलब उस चीज़ की कंट्रोल कर सकेंगे, हमने क्या करने कैसे खेलने, ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाते हैं वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज. फिर नेक्स्ट में हम लोग जाते हैं रिसर्च स्टडी द वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज ऑफ इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन इन मैनी वेज. इन्होंने भी मुख्तलिफ तरीकों से इसको स्टडी किया. फॉर एग्जाम्पल डिवेलपमेंटल साइंटिस्ट और रिसर्चर्स स्टडी रिकॉल मेमोरी इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन बाय लुकिंग एट वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज. इन्होंने रिकॉल मेमोरी को एक तरह से यूज़ किया, स्टडी किया कि इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के वॉलेंट्री एक्शंस को या रिस्पॉन्सेज को देखते हुए. रिकॉल मेमोरी इज मेमोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स और एपिसोड्स. ये हमारी वो मेमोरी होती है जो कि हमारे पास्ट में होती है या एपिसोड के फॉर्म में होती है. सच एज बट यू डिड यस्टरडे आफ्टरनून और ऑन योर लास्ट बर्थडे. ठीक है, लास्ट बर्थडे में आपने क्या किया था उसके इवेंट से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की आपके पास इवेंट बन गया या एपिसोड हो गया, या यस्टरडे आफ्टरनून आपने क्या किया था. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या जाते हैं रिकॉल मेमोरी, मेमोरी को रिकॉल करना जाता है. वेयर एज ओल्डर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स आर सिंपली आस्क्ड टू टॉक अबाउट देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस. और इसी तरीके से ये तो इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन के लिए था, लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स से सिंपली उनसे क्वेश्चन किया गया, उनसे पूछा गया कि आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताओ, रिकॉल करो. सो रिकॉल मेमोरी हैज़ टू बी स्टडीड इन डिफरेंट वे, मुख्तलिफ तरीकों में स्टडी किया, इन्फेंट के लिए अलग, यंग चिल्ड्रन और इन्फेंट्स के लिए अलग, ओल्डर चिल्ड्रन और एडल्ट्स के लिए अलग. अच्छा, ठीक है. इन इन्फेंट्स एंड वेरी यंग चिल्ड्रन हु कैन नॉट डिस्कस देयर पास्ट यूजिंग लैंग्वेज, ऑब्वियसली वो तो नहीं बोल सकते. टू स्टडी मेमोरी इन दीज सब्जेक्ट्स रिसर्चर्स यूज अ बिहेवियर मैथड नोन एज एलिसिटेड इमिटेशन. अब ऐसे बिहेवियर को ऐसी मेमोरी को स्टडी करने के लिए सब्जेक्ट जो सैंपल था, रिसर्चर ने बिहेवियर मैथड को यूज़ किया, ठीक है, जो क्या है एलिसिटेड इमिटेशन. एलिसिटेड इमिटेशन मीन्स इट इज़ अ लैंग्वेज sampling procedure in which a child is asked to repeat an utterance that is modeled by the examiner. ये वो language की sampling procedure होती है जिसमें बच्चे को कहा जाता है कि आप repeat करो, ठीक है, जो कि examiner ने आपको model के तौर पर दिया, आप उसको repeat करो. और ये Lukoski and Milosevic press में इन्होंने ये बात discuss की थी. तो ये हमारे पास एक रिसर्च हुई इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज पे, और ये एक रिसर्च हुई थी वॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज पे. अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ.